छतरपुर के चेतगिरी कॉलोनी हनुमान मंदिर में इन दिनों संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। पहले दिन रविवार को 4 बजे कथा स्थल से कलश शोभा यात्रा बैंड बाजों के साथ जवाहर मार्ग, चेतगिरी और सीताराम कॉलोनी के मुख्य मार्गों से गुजरी। विशाल शोभा यात्रा में कथा प्रेमियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान कथावाचक भगवती प्रसाद कौशिक ने कहा कि भागवत को संत और भगवंत का एकत्र होना माना गया है, जहां इनके एकत्र होने से कलकल रूपी गंगा की लहर तरंगे लेने लगती हैं और निष्पंद शरीर में एक स्फूर्ति का संचार होने लगता है। कथावाचक श्री कौशिक ने भागवत कथा के महत्व को बतलाते हुए कहा कि भागवत में भक्त और भगवान की कथा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, जो अपने भक्त का उद्धार कर दे वही भागवत है। 19वीं भागवत है, सीताराम कॉलोनी और चेतगिरी कॉलोनी, दोनों कॉलोनी के मिलकर सहयोग से हम लोग 19वीं भागवत करने जा रहे हैं। ये दिनांक आज 14 तारीख से कलश यात्रा के प्रारंभ होकर सायंकाल भागवत होगी, फिर कल से नियमित दोपहर 3 बजे से रात्रि 8 बजे तक भागवत चलेगी। ये 21 तारीख तक भागवत चलेगी। 21 तारीख को भंडारा एवं हवन पूजन कार्यक्रम होगा और जाके 21 को समाप्ति होगी।